नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके थे, ये आपका दूसरा चैप्टर है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन वन्य जीवन संसाधन। याद रखिए, बड़े धैर्य के साथ सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्मा मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः से ही उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों और भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मब्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। इसी दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मब्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवासीय नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकण क्रांत, समाद्वीप निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में लग्जमबर्ग शहर है। बात करते हैं भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप पम्मा और पीटर के परिवारों की भूमि के उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है
जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, देख लीजिए। बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हुए हैं, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब बात करते हैं मृदा, मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब यहां देख लेते हैं क्या भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में बेहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेपिया भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कम कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाते हैं। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो पर्यावरण, जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया है। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव की आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विकास से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए पित्तीधारी दीवारों का निर्माण।
भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है, यानी कि पेड़ लगाना है। सतही अपव्यय तथा झरना बहावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पेष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। देखिए, मृदा परिच्छेदिका, ये जनक चट्टाने हो गई, या आपकी अपक्षय चट्टाने, चट्टानी पदार्थ, या आपकी बालू गाद किले के साथ, ये है आपकी ह्यूमस, सबसे ऊपरी परत होती है ह्यूमस, और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा अपक्षय। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना आपका क्या होता है? अपक्षय कहलाता है। केवल 1 सेंटीमीटर, देख लीजिए, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, और हटने में कुछ ही मिनट में हट जाती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ही जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावत, तुंगता, ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब बात करते हैं हम लोग मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छिन्नता मृदा संसाधनों के लिए दो मुख्य खतरे हैं आपके। मानवीय प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षाधुहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं आपकी, जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आद्रता रुकी रह जाती है। वेदिका फार्म हो गई है, देखिए, समुचित समुच रेखीय जुताई, ये रक्षक मेखला। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीप ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पेष्ठीय प्रवाह और मृदा पतन कम होता है। फिर आता है आपका समुच्चय रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस तरह से बिल्कुल क्रम से लाइन में आगे चलते हैं हम लोग। समुच्च रेखीय रोधिकाएं समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक ही आकार के आबा दो टेले, इनमें टी के अंत में 6 छिद्र बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अब आटे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए। जब बाटे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बाटे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ही टी को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों टेरे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग में जल डालें।
दोनों टे के छिद्रों से निकलने वाले पंक्तिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें, तुलना करें कि प्रत्येक टे से कितनी मृदा बह गई है। यहां समझाने की कोशिश यही की जा रही है कि अगर पेड़ लगाते हैं आप लोग तो मृदा के कटाव के कम चांस रहते हैं, और अगर पेड़ की कमी रहती है वहां तो इस तरह से पूरी मृदा आपकी बह जाएगी। चट्टाने बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नलियों नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर इति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर इति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब पहुंचते हम लोग जल की तरफ। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जब जल केवल आपका 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से के बाहर है। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है। वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त। यह भौम जल नदियों झीलों में पेष्टीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो 70% है, 71% के पास है अपने पास पूरे पृथ्वी पर जल, लेकिन उनमें से मात्र 1% से भी कम हमारे उपयोग के लिए जल है, बाकी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, इसलिए कृपया करके उसे बंद कर दिया करिएगा। समझ में आया? एक तुम्हें मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम अच्छे से किताब पढ़ते हो तो एक इंसान अच्छा बना देगा, जिसे अपने प्रकृति से भी लगा होगा। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग है लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पीना 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20, शौचालय के लिए 20 सॉरी 40, वस्त्र धोने के लिए 40, बर्तन धोने के लिए आपका 20, बागवानी के लिए 23, कुल 150। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसे घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी पिछड़ता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण वर्षण वाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रित गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है ये बाजार। बात करते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं।
विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु के देशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार का जल अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षों में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा गति के उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यमुना नदी के बाह्यतमल औद्योगिक वही श्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी की ठीक हालत हो गई, ठीक ही अभी कह लीजिए, 2014 के बाद से ठीक है, जितना भी सुधार हुआ है ठीक हुआ है। बात करते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण बुद्धि संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। आशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाह्यतमल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रातों को स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की आपने सिंचाई देखी हुई है, स्प्रिंकल सिंचाई। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पेष्टीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इस विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संरक्षण संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 800 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में लिया उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, तुई, छत्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं? वे बैत बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, जिससे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये है आपके रेशम कीट। आगे देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं।
इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता भी करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, कॉर्न, औषधीय पौधे, कागज और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक। पौधों के असंख्य उपयोग, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ब्रह्मा कमल का ये औषधीय बूटी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपयोग पशुओं का उपचार डी क्लोफिनेक एस्पिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इस औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले बहुत गिद्ध दिखते थे, लेकिन अब कहाँ दिखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। उनसे कीट जैसे ये आपने किलकिला देखा होगा, किंगफिशर, मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य भी करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे तो बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। घास मैदान और वन। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म, टुंडा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन पिचोर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और चट्टान और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं कुछ उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंडा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। ये आपका देख लीजिए, वन में अजगर सामने से नहीं देख पा रहे तो यही देख लीजिए, पिक्चर में ही सही देखा तो है, कम से कम बोल तो सकते हैं कि देखा था हमने। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाए गए कोलोज। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत हमें आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन हैं और कुछ लुप्त होने के कारण पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दबादल, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं।
जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनादिकरण का शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हेम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के बरसा पिचोर वन में छत्ती इस तरह दिखी। ये आपका ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, ब्लैक बक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियां, झीलों, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए कुछ न्यूज क्लिप्स दिए गए हैं। दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात की संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दावानल मुख्य रूप से तीन कारणों से घटित होता है। तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानिक लोगों, उद्यमी या शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, नियंत्रण के कुछ उपाय, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का सीक पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या फिर एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वनिकी वनोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का झुंड देख लीजिए, ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। जैव मंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं के 5,000 जातियों, पौधे के 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। ये आपके
अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको लगा सकते हैं, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके रख लें अपने पास, और फिर कभी टाइम मिलता है तो एक बार उससे भी रिवीजन करें। वैसे इसमें है कुछ नहीं, बस आपको पढ़ के निकल जाना है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में।